सर आप यू नहीं, पारस चुप कीप योर वॉइस डाउन। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। वेलकम टू सोशल। बिग बॉस इंडियन टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट शो है जिसे ऑल ओवर द कंट्री काफी लोग देखते हैं। एंटरटेनमेंट के साथ ये शो रिलेटेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस को अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की प्राइवेट लाइफ देखने को मिलती है। व्हाट मेक्स द शो इवन मोर पॉपुलर इज इट्स होस्ट, जो कि ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स के बीच का बैरियर कम करता है। हमने इतने सालों में कई सुपरस्टार्स को बिग बॉस होस्ट करते हुए देखा है। जहाँ कुछ काफी अच्छे रहे हैं तो वहीं कुछ स्टार्स वो मार्क क्रिएट नहीं कर पाए हैं। इस वीडियो में हम सारे होस्ट को रैंक करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग देयर होस्टिंग स्किल्स इन डिटेल। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। ये फिर शुरू हो गई। अरे बाप रे, वाह वाह वाह। नंबर 7, करण जौहर। करण जौहर ने बिग बॉस ओटीटी का सबसे पहला सीजन होस्ट किया था। लोगों को उनसे काफी एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि इससे पहले वो कॉफी विद करण जैसे पॉपुलर टॉक शो को होस्ट कर चुके थे। हाउएवर हिज होस्टिंग वाज अ बिग लेट डाउन हियर एज देयर वाज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ऐसा लग रहा था कि वो बिग बॉस की गेम को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे और काफी कोशिश कर रहे थे रिलेटेबल साउंड करने की। इनफैक्ट इट लुक लाइक ही इज नॉट होस्टिंग बिग बॉस बट एन अवार्ड शो। शायद इसीलिए उनको फिर नेक्स्ट सीजन होस्ट करने का मौका नहीं मिला। मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के मजे लूट, फर्स्ट टाइम 24/7 ऑन बूट। नंबर 6, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी को होस्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो इंटरनेशनल शो बिग ब्रदर की विनर रह चुकी थी। Those who don't know, let us tell you कि Big Boss actually में Big Brother का Indian version है। इसी को देखते हुए शिल्पा को होस्ट करने का मौका दिया था, but she wasn't up to the mark। उनमें वो स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी जो ऐसे शो के लिए चाहिए होती है। इसीलिए आज ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं है कि उन्होंने कभी Big Boss होस्ट भी किया था। एक कमरे में 14 अजनबी दिन रात एक साथ, मुझे है तजुर्बा इस खेल का, तब मुझ पर थी दुनिया की नजर, अब मेरे साथ आपकी भी नजर होगी और इनकी हर धड़कन पर हुकूमत करेगा बिग बॉस। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था अमित जी को बिग बॉस होस्ट करते देखना। नो डाउट उनकी होस्टिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, लेकिन उनको बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में देखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। ही इज समबडी हु इज मोर सूटेड फॉर शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति। मगर इसके बावजूद भी अमित जी ने पूरी कोशिश की गेम को समझने की और अपने आप को शो के हिसाब से अडेप्ट करने की। नंबर 4, अरशद वारसी। अरशद वारसी ने बिग बॉस का सबसे पहला सीजन होस्ट किया था, इसीलिए उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो को इंडियन ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करें। वी मस्ट से दैट ही अंडरस्टूड द असाइनमेंट वेल एंड वाज स्पॉट ऑन विद हिज होस्टिंग। जिन लोगों ने भी सबसे पहला सीजन देखा है उनकी काफी फॉन्ड मेमोरीज होंगी अरशद की होस्टिंग को लेकर। नंबर 3, संजय दत्त। संजय दत्त ने वो बिग बॉस का सीजन होस्ट किया था जब सलमान अपने शूट में बिजी थे। इट वॉज अ गुड मिक्स एंड मैच जहां हम कभी संजू तो कभी सलमान को होस्ट करते हुए देखते थे। इस सीजन में इन दोनों ही एक्टर्स की कमांडरी काफी अच्छे से निकल कर आई थी, जिसे ऑडियंस काफी एंटरटेन भी हुई थी। इवन इन द एपिसोड्स वेयर संजू इज होस्टिंग अलोन, ही वॉज क्वाइट गुड एज ही अंडरस्टूड द डायनामिक्स ऑफ द गेम वेरी वेल। बिग बॉस के इस घर में अंत तक जाने के लिए यहाँ का रास्ता एक अग्निपथ है। आज मैं अग्निपथ के कांचा चीना के गेटअप में हूं, इसीलिए मैं इनकी डबल वाट लगाऊंगा। नंबर 2, अनिल कपूर। अनिल कपूर ने इस साल पहली बार बिग बॉस होस्ट किया था एंड वी मस्ट से दैट ही वाज स्पॉट ऑन। उनकी इंटरेक्शन सारे कंटेस्टेंट्स के साथ काफी मैच्योर थी, इसीलिए जब भी उन्हें किसी के बारे में कुछ भी गलत लगा ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट टू दैट पर्सन। यहाँ पर जो उनकी पर्सनालिटी में एक नेचुरलनेस है वो बहुत काम आई, जिसकी वजह से ऑडियंस भी उनसे काफी रिलेट कर पाई। नो डाउट ही वाज अ लिटिल अनकंफर्टेबल एट सम पॉइंट्स, मगर जैसे जैसे वो और सीजन होस्ट करेंगे ही विल बी एबल टू ओवरकम दिस एज वेल। वी रियली फील कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जहाँ हमें ओटीटी पर अनिल होस्ट करते हुए नजर आएंगे और टीवी पर सलमान खान। विनर ऑफ बिग बॉस
ओटीटी 3 इज सलाम मकबूल। नंबर 1 सलमान खान। सलमान हैज चेंज्ड द वे होस्टिंग इज डन इन रियलिटी शोज। सारे होस्ट एक तरफ हैं और सलमान की होस्टिंग एक तरफ। उनकी होस्टिंग का स्टाइल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, वेयर हिज रिएक्शंस आर सो इंस्टेंट दैट यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट ही विल बी सेइंग नेक्स्ट। यू कैन कॉल हिम अ वेरी अनकन्वेंशनल होस्ट। सलमान के आने से बिग बॉस की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ी है। शो के फैंस डेस्परेटली वेट करते हैं वीकेंड की वार का, जहां सलमान कंटेस्टेंट से इंटरेक्ट करते हैं। उनको जब भी लगता है कि कोई कंटेस्टेंट गलत बिहेव कर रहा है, ही ऑलवेज रेजेस हिज वॉइस एंड स्कूल्स हिम। उनका यही स्टाइल आज बिग बॉस का बैकबोन बन गया है, जिससे कोई और होस्ट मैच नहीं कर सकता है। किससे बदतमीजी कर रहे हो यार? मेरा तुम्हारा क्या लेना देना? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ये क्या टाइम आउट? ये क्या हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारा कुछ? वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इन सारे होस्ट में से आपको कौन से दो होस्ट सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए नासर ऐप इन दिस वीडियो, आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @ सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।